कर रहा हूँ, अगर मार मुड़ गई तो सामने नजर आएगा। गाइस वेलकम टू द चैनल। तो भाई जो मैं पार्ट वन पे अपनी ट्रकिंग रूटीन दिखा रहा था कि मैं कैसे जो है अपना डे स्टार्ट करता हूँ, कैसे जो है मैं अपना लोड असाइनमेंट डिलीवरी पिकअप करता हूँ और कैसे जो है ट्रक अटैच करता हूँ और जो रूट वगैरह दिखा रहा था, कैसे ड्राइविंग वगैरह की रूटीन है मेरी और वहाँ डेस्टिनेशन में मैं कैसे जो है अपना लोड या ट्रेलर ड्रॉप करके एम्प्टी दिखाता हूँ। तो भाई इस पार्ट टू में ये दिखाऊंगा मैं कि जो है वो जो एम्प्टी ट्रेलर है अब मैं वापस लेके जा रहा हूँ कंपनी पे, वो है ग्रीन्सबोरो नॉर्थ कैरोलिना। और जो है रास्ते में जाते जाते मैंने डीजल भी लेना है और साथ साथ जो है शावर भी लेनी है। तो इस वाले पार्ट में जो है ना ये पूरा मैं दिखाऊंगा रूटीन अपनी। तो भाई शुरू करते हैं अपनी रूटीन। तो भाई जैसे मैं बोल रहा था ना, वीक डे पे जो है ट्रैफिक ज्यादा होती है, बहुत ट्रैफिक जाम होता है। तो ये अभी जो है ट्रैफिक जाम शुरू हो गया है, तो आगे जाके देखते हैं क्यों ट्रैफिक जाम हो रहा है। आगे मुझे नजर तो आ रही है पुलिस गाड़ी खड़ी हुई है, तो देखते हैं उन्होंने वैसे किसी को रोका हुआ है या एक्सीडेंट वगैरह हुआ हुआ है, तो ये देखते हैं। हाँ मेरा से कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ हुआ, वैसे ही रोका हुआ है इन्होंने शायद जो है ना, कोई एक्सीडेंट वगैरह नजर तो नहीं आ रहा, तो वैसे ही रोका हुआ था। लेकिन मुझे ये बहुत बुरा लगता है, ये साइड पे जब रोक देते ना, देखो कितनी जो है ट्रैफिक पूरी जाम हो रही थी। एक तुम गाड़ी को रोकने के लिए पूरी जो है तुम यहाँ पे हाईवे जो है जाम कर रहे हो। इनको जो है पता है क्या करना चाहिए, अगर गाड़ी को रोकना है ये एग्जिट करके हाईवे से उतर के फिर रोके, नहीं तो ये सब जो है ना रुकना शुरू हो जाते हैं। तो देखा आप बिल्कुल जो है ट्रैफिक खुल गई है, तो पूरा ट्रैफिक ऐसे ही जाम हो रहा था। तो अब जो है चलते जाते हैं, अब जो है स्मूथ ही लग रहा है, अब कोई जो है मुझे मेरे ख्याल से कोई ट्रैफिक जाम वगैरह नहीं होगा। मैं समझ रहा था कोई पता नहीं एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, जैसे पूरे सब रुक रहे हैं, तो कुछ नहीं रुका हुआ था, वैसे ही बस जो है पुलिस वाले ने रोका हुआ था। मुझे ये समझ नहीं आता, ये देखो कितनी आहिस्ता जा रही है गाड़ी, उसके आगे कितनी जो है अभी रोड है, कितना फासला है अगली गाड़ी में, लेकिन कितनी आहिस्ता जा रही है। अब जो है मुझे भी अपना ट्रक जो है आहिस्ता करना पड़ रहा है इसकी वजह से। यार अगर तुम जा ही रहे हो तो उस वाली लाइन में चले जाओ, बीच में जो है अब मुझे आहिस्ता करना पड़ रहा है। अब ये और आहिस्ता से आहिस्ता होता जा रहा है, अगर मैं जो है एकदम आहिस्ता ये और हो जाए तो ये तो इसके मैं पीछे जाके मारूँ, पता नहीं चला, पता नहीं क्यों वैसे टूटी फूटी सी थोड़ी गाड़ी लग रही है, मैं बोलना नहीं चाह रहा। लेकिन जो है उस वाली लाइन में चले जाओ, मिडल वाली लाइन में जाने का क्या है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। भी जगह भी है जाने की, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं जा रहा, मुझे आहिस्ता करना पड़ रहा है यार। देखो उसे फिर ब्रेक मारना पड़ रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता नहीं नया ड्राइवर है या कंफ्यूज है या पता नहीं फोन पे लगा हुआ है, वो देखो ही पता नहीं क्या करना चाह रहा है। अरे यार मेरे यहाँ से फोन पे लगा हुआ है, क्योंकि ऐसे कोई नहीं चला सकता, तो उस वाली लाइन में जाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये तो ऐसे ही चलाता रहेगा, मैं इससे दूर ही रहूँ उस वाली गाड़ी से। तो भाई कोई जगह भी नहीं दे रहा कोई, तो ये उस वाली लाइन में जाना है, तो लोग जगह नहीं देते ना ट्रक में, मुझे समझ नहीं आता। देखो ये अमेज़न का ट्रक जा रहा है, देखो ये ब्लैक कलर का, ब्लैकिश कलर का अमेज़न प्राइम, ये तो हर जगह ही है इसका। इसका लेकिन टैग है, मैं टैग है स्लीपर नहीं, इसका टैग है मैं। देखो अभी भी वो उस वाली लाइन में नहीं जा रहा, पता नहीं क्या है यार ऐसा ऐसा, फिर पता नहीं क्या सोचने लग जाता है। चलो मैं ही उस लाइन में चला, इसका नहीं ये नहीं जानने वाला, चलो मैं ही उस वाली लाइन में चला जाता हूँ। ये आ गया हूँ मैं, ये पता नहीं अब मेरे आगे ना आए, मेरे आगे ना आए बिल्कुल भी, मेरा से नहीं। इसका बम्पर भी लटक रहा है, पता नहीं कैसे, ऐसा लग रहा है GTA में नहीं जैसे हम गाड़ी बहुत दफ़ा मार देते हैं, तो ये ऐसे ही देखो इसका बम्पर भी ऐसे ही लग रहा है टूटा हुआ। तो चलो मैं तो इससे जो है अलग हो गया। ये देखो भाई अब मैं इससे आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ इस गाड़ी से, अब देखो अब तेज कर लिया है, पता नहीं क्या चाह रहा है ये बंदा, अगर जाना है तो उस साइड पे जाओ भाई। अब तो फ्रस्ट्रेट कर रहा है, इरिटेट कर रहा है वो गाड़ी वाला, तो यार मुझे तो आगे जाने दो, अगर जाना ही है तो जाओ। अब देखो मैं रास्ता भी दे रहा हूँ, मैं पीछे हो जाता हूँ, चलो पीछे हो जाता हूँ, जाओ भाई जाओ, मैं इशारा भी कर रहा हूँ फिर भी नहीं जा रहा हूँ। ये दोबारा तेज ना हो जाए, ये देखो मैं अच्छा हुआ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मार मुड़ गई तो सामने नजर आएगा। यार क्या कर रहा है यार, अगर आना ही है तो आओ भाई, क्या बीच
में गुजर आया है वो तेज करने की कोशिश कर रहा है मेरे साथ रेस करने की। पता क्या चाह रहा है भाई, ये मुझे समझ नहीं आ रही क्या चाह रहा है। आप चलाते रहे, हाँ इतना ही तेज चलाते रहे, चलाता रहे चलाता रहे, मेरे से दूर है बस, हाँ चलाता रहता। तो ये जो है मैं फ़ोन, ये होल्डर सा, ये स्क्वायर सा बना हुआ है, तो इसमें मैं अपना फ़ोन रख लेता हूँ और देखता नहीं हूँ, बस जो है सुनता रहता हूँ। इसमें मैंने फ़ोन रखा हुआ है अपना, और साथ साथ जो है मेरी आँखें जो है रोड पर ही रहती हैं। तो ये अभी मैं दिखाता हूँ कि कैसे जो है इस पर रखा हुआ है मैंने, ये एक मिनट में थोड़ी देर में दिखाता हूँ। ऐसे जो है ऐसे उतर जाता है, तो ये आगे को कर लेता हूँ मैं, ये निकल आता है फ़ोन, तो इसमें मैं रख लेता हूँ ओल्डन में, ये पूरा जो है फिट हो जाता है, और साथ साथ मैं ये व्यू एंजॉय करता हुआ जाता हूँ। हाईवे से ही जो है दूर से ही नज़र आने लग जाते हैं, अगर जो भी ट्रक स्टॉप वगैरह है ना वो हाईवे से ही नज़र आने लग जाते हैं। अब ये देखो, अब जैसे ही मैं पास होता जाऊँगा ना, अभी मैं हाईवे पे ही हूँ, ये मैंने एग्जिट लिया है, तो ये सामने ही जो है ट्रक स्टॉप नज़र आ गए। ये देखो ये आ गया पायलट ट्रक स्टॉप नज़र आ गया, और ये जो ना साइन लगे होते हैं कट पे के, हर जो है अगर राइट टर्न लोगे तो क्या है, अगर लेफ्ट टर्न पे जाओगे तो क्या है, तो ये इस पे जो है ना दो दो ट्रक स्टॉप है, क्योंकि अभी जो है हमने डीजल भी लेना है और जो है शावर भी लेनी है। तो एक है फ्लाइंग जे, चेक कर लूँ कि इस साइड पे क्लियर है मेरी, वैसे जा सकता था मैं लेकिन वीडियो में भी लगाऊ ना बनाने में, इसलिए मैं जा नहीं पाया। तो यही जैसे गुजर जाएंगी गाड़ियाँ तो हम अभी चलते हैं, तो ये क्लियर हो गया, अब हम चलते हैं इस साइड पे। तो ये देखो भाई, इस वाली राइट साइड पे ये पायलट है, और ये लेफ्ट वाली साइड पे जो है फ्लाइंग जे है। तो ये जो है ना दोनों एक ही कंपनी है, बस जो है नाम डिफरेंट है। तो इस पे जाओ, हम दोनों पे फ्यूल करते हैं, हम पायलट पे फ्लाइंग जे पे दोनों से हम डीजल लेते हैं, कंपनी वाली जो कंपनी है जिसके लिए मैं काम करता हूँ। और ये ट्रक वॉच भी है, ये ब्लू बीकन, हम तो करवाते नहीं है, वो पार्किंग पे ही, पार्किंग लॉट पे कंपनी पे आके धो देते हैं। तो ये देखो भाई, सारे फ्यूल लेन जो है ना सारे खाली पड़े हुए हैं, तो फ्लाइंग जे पे चलते हैं, पहले फ्यूल लेते हैं, फिर जो है ना पार करके हम जो है शार वगैरह का शुरू करेंगे। तो हमने ये, मुझे इस वाले फ्लाइंग जे पे आना अच्छा लगता है, ये देखो पूरा खाली पड़ा है, और है भी इतना बड़ा यार, देखो इस पे जो है ना पार्किंग वगैरह बहुत आराम से मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये जाते हैं अभी, जोन सी मैं फ्यूल पे भी चाहूँ, फ्यूल ऑयल पे मैं चाहूँ तो जा सकते हैं। देखो कितनी फ्यूल, अपनी मर्जी से जो जिससे भी जिस पे भी मैं जाऊँ, इस पे तो ये है कि मुझे पार्क करने की जरूरत ही नहीं है ट्रक, मैं तो फ्यूल ऑयल पे खड़े खड़े ही जो है ना यहाँ पे खड़े खड़े ही मैं शावर ले सकता हूँ जाके। तो देखते हैं अभी क्या करता है, लेकिन जो है अगर रश होता है ना तो ऐसे करना नहीं चाहिए वैसे। तो ये फ्यूल ऑयल पे आ गए हम, तो अभी दिखाता हूँ मैं प्रोसेस। तो ये देखो भाई, यहाँ मैं ट्रक स्टॉप पे आ गया हूँ, फ्यूल आइलैंड पे मैंने फ्यूल पंप पे मैंने खड़ा कर लिया अपना ट्रक। तो मैं एक ये चीज़ दिखाता हूँ मैं, तो ये है फ्लाइंग जे और यह पायलट ट्रक स्टॉप की ऐप है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखो, हमने जो है फ्यूलिंग भी करनी है अभी, शावर भी, ये 6 शावर अवेलेबल हैं इस पर, और जो है फ्यूल पम्प सारे अवेलेबल हैं। तो पहले जो है हम फ्यूल करते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्यूल, तो मैं दिखाता हूँ इसका प्रोसेस क्या है। तो ये देखो, मैंने कंपनी का कार्ड मैंने सब लिंक किया हुआ है, तो इस पर ये करके जो है और कंटिन्यू, तो ये कर लिया है। तो मुझे बस खाली, हाँ मुझे ये ट्रक डीजल चाहिए और मुझे डेफ चाहिए, तो मैं ये दोनों चीज़ें करूँगा, दोनों चीज़ें लूँगा मैं। तो ये हो गया है, तो ये मेरा ट्रक नंबर लिखा हुआ है कि इस वाले ट्रक में डालना है, तो ये लोड हो रहा है अभी। ये हब रीडिंग, ये हब रीडिंग का ये कि कितने माइल हैं, तो इस पे है माइल, देखते हैं, ये 597,804, तो ये लिखना है 5, हाँ नज़र भी नहीं आ रहा, सन है ना आँखों में, हाँ तो ये हो गया 4-4 आए जा रहा है 597,804। तो ये हब रीडिंग डाल दिए मैंने 597,804 miles, तो ये कंटिन्यू हम करते हैं। 2 products वगैरह ये होते हैं यही ट्रक वगैरह के, लेकिन हमें कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं चाहिए, तो पहले ये वाला करते हैं। तो ये हो गया, ये अब
इस पर लिखा हुआ है रेडी टू फ्यूल, तो ये पंप ऑन हो गया, ये इन्होंने नंबर दिया हुआ है, तो मैं अभी दिखाता हूँ इस नंबर का क्या मतलब है। तो ये चलते हैं। ऑफ कोर्स अपने ग्लव्स तो पहनने ही होते हैं, तो ग्लव्स पहनता हूँ मैं। तो ये फ्यूल पंप आ गया है और ये नंबर भी है, तो अभी मैं दिखाता हूँ कि ये इस नंबर का क्या मतलब है। तो ये है 891039। तो ये हो गया 891039। तो ये हो गया, देखते हैं। तो ये देखो मैंने नंबर डाला, कुछ भी नहीं, यहाँ पे कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं डालना पड़ा मुझे, कोई इन्फॉर्मेशन, बस ये नंबर डाला है और रिमूव नॉजल टू फ्यूल ट्रक डीजल। तो ये पंप ऑन हो गया, वैसे ही मेरा ऐप से बैठे बैठे ही मैंने कर लिया। तो ये इसलिए अच्छा होता है कि अगर दूर हो ना तो पहले से ही तुम शुरू कर लो, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होता है कि पास आके ही शुरू कर लो। तो ये हम जो है शुरू करते हैं ट्रक, तो ये वाला यहाँ पे, तो क्योंकि इसके जो है दो टैंक है, तो हमने दूसरा पंप भी जो है आके जो है स्टार्ट करना है अभी। तो ये जो है दोनों पंप स्टार्ट हो गए हैं, तो वैसे तो इतनी देर लगेगी नहीं, क्योंकि जो है आधा टैंकी इसमें जो है कम हुआ हुआ है, वैसे तो आधी टैंकी तो फुल है, तो इतनी देर लगेगी नहीं। तो जब तक ये फ्यूल होते हैं तो बात होती है अभी। तो ये देखो भाई, ये रुक गया है, ये इसमें डला है डीजल $419.73 का, इसमें डले हैं 106 गैलन, क्योंकि यहाँ पे गैलन के हिसाब से होता है। तो ये जो है ना आधी टैंकी तकरीबन इतने की डली है, तो फुल अगर टैंक की हो तो तकरीबन $800 की डला है इसमें। तो ये हो गया है, ये डीजल हो गया है, अभी हमने वो भी डालना है इसमें, अभी हमने डेफ भी डालना है, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, तो वो भी मैं बताता हूँ। ये देखो डेफ ओनली लिखा हुआ है इस पर। तो ये जो डेफ होता है ना, इसके बगैर भी ये तकरीबन फ्यूल की तरह ही लगा लो, पेट्रोल की तरह ही लगा लो इसे भी, ये ट्रक के डीजल की तरह ही लगा लो इसको भी जो है, क्योंकि ये जो है डीजल इसलिए होता है, ये जो स्मोक वगैरह निकलता है ना ट्रक में से, ये मैंडेटोरी हो गया अब ट्रक में, हर ट्रक में जो नए अब लॉ है कि लॉ के मुताबिक डीजल जो है डेफ जरूर डाले ट्रक के अंदर जो है, और पुराने वाले ट्रक के अंदर तो है नहीं है, अब ये नए वाले ट्रक के अंदर है, क्योंकि ये जो है ना स्मोक जो धुआं वगैरह निकलता है ना ट्रक में से, तो वो जो है बिल्कुल क्लियर निकलता है, वो जो है पोल्यूशन वगैरह भी ना हो, इसलिए जो है क्योंकि इसमें से जो स्मोक निकलता है वो बिल्कुल डार्क हो, तो ये इसके ये डेफ डालोगे तो उसकी वजह से जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाता है इसमें। तो ये डल रहा है अभी, तो ये देखो इसमें इतना नहीं डलता, इसमें इतना ही डलता है जैसे हम गैस डालते हैं ना गाड़ी वगैरह में पेट्रोल, उतना ही डलता है इसमें। तो इसमें भी अभी दिखाता हूँ मैं कितना डलेगा, इतना नहीं डलेगा इसमें। तो ये देखो भाई इसमें भी डल गया है, इसमें डला है $29 का और तकरीबन 7 गैलन डले हैं इसमें जो है डेफ डला है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, तो इसमें भी तकरीबन आधा था, तो ये तकरीबन फुल हो जाता $60 तक में, और तकरीबन 12 गैलन डलते हैं इसके अंदर। ये देखो पंप्स के ऊपर भी इन्होंने टीवी वगैरह की तरह लगाया भाई, ये जब चल रहा होता है ना पंप, तो इस पे टीवी चल रहा होता है, मतलब इन्हीं के ही चल रहा होता है कि एडवर्टाइजमेंट कमर्शियल वगैरह के, ये सेल पे लगा हुआ है, वो सेल पे लगा हुआ है। तो ये सब हो गया है, तो अब चल के जो ना ट्रक पार्क करते हैं यहाँ पे कहीं पे, और फिर शावर की तैयारी करते हैं। तो भाई ये हमने डीजल वगैरह ले लिया है, तो हमने अब यहाँ से जो है ट्रक हटा देते हैं, वैसे जो है यहाँ पे इतना रश नहीं है, ये जो है सनसेट देखो, लेकिन जो है सनसेट देखो यहाँ पे कितने ही खूबसूरत ब्यूटीफुल लग रही है, वैसे जो है ये व्यू देखो ट्रक से ट्रक्स खड़े हुए हैं, वैसे यहाँ पे भी खड़े होकर हम कर सकते हैं क्योंकि इतना रश नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो है हम किसी को ब्लॉक करें, तो इधर सामने ही खड़ा कर देते हैं ट्रक, क्योंकि आज पार्किंग भी बहुत है, इतना रश नहीं है आज, तो इधर ही कहीं पर खड़े कर देते हैं। ये देखो मुझे जो है बैक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये देखो ये पता नहीं पार्किंग है या वैसे ही है ये, अच्छा हाँ ये तो वैसे ही है। चलो मैं पता है क्या करता हूँ, मैं इधर ही साइड पे खड़ी कर देता हूँ, बस इधर ही बस साइड पे खड़ी कर देते हैं यार, वैसे पार्किंग तो बहुत है, मैं चाह रहा हूँ पार्क ही कर लें जो है, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी के, किसी को हम रोकें रास्ते में से,
इसी के आगे देखते हैं। यहाँ पे हैं दो पार्किंग, मैं नहीं चाह रहा मैं इतना टाइम वेस्ट करूँ जो है बैक वगैरह करने में, चलो यहाँ पे लगा देते हैं बस सही है। यहाँ पे सीधा सीधा भाई, यहाँ पे ट्रेलर भी खड़ा हुआ है, खाली ट्रेलर, वैसे अलाउ नहीं है खाली ट्रेलर ऐसे खड़ा करना क्योंकि टो वगैरह करवा देते हैं, लेकिन हम जो है बस इधर खड़ा कर देते हैं हम ना ट्रक जल्दी से, और जो है शावर वगैरह लेते हैं चल के। तो ये ऐसे यार इधर बीच में आएगा ट्रेलर, कोई ट्रेलर वगैरह आएगा ना वो बीच में आएगा मेरा ट्रक, तो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। इतनी देर में जो है पार्किंग ढूंढने में लगा रहा हूँ, इतनी देर तो मैं बैक ही कर लेता है यार, चलो कोई नहीं। तो ये देखो भाई इस साइड पे मैं आया नहीं था, कितनी पार्किंग ही पार्किंग है इस साइड पे, तो इधर ही कहीं खड़े कर देते हैं जो है जल्दी से, ठीक है हमने जो है बस शावर ही लेना, इतनी देर तो लगेगी नहीं, तो इधर ही बस खड़ा कर देते हैं। है भी जो है बिल्डिंग के पास ही है तो इतना जाना भी नहीं पड़ेगा चल के, वैसे वॉकिंग वगैरह का तो कोई नहीं है लेकिन इतनी दूर जाना नहीं पड़ेगा ना चल के, ये टाइम जो है ज़्यादा लगे नहीं। तो मैं जब मुझे रुकना वैसे पसंद नहीं है, लेकिन जब रुकता हूँ ना मैं तो मुझे ये होता है कि जल्दी से जल्दी काम हो, इसलिए मैंने ऐप पे जो है ना जल्दी से जल्दी सब कुछ कर लेता हूँ मैं, फ्यूल का भी डीजल का भी, तो अभी जो है शावर का भी कर लेता हूँ मैं। तो ये इधर ऐसे ये दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये देखो ऐसे फुल लाइन हो जाएगा ना, फिर हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई अब सही है। तो ये बिल्कुल लाइन अप हो गया है ऐसे इस ट्रक के साथ, तो मतलब अब स्ट्रेट हो गया इसका मतलब, तो ये हो गया है। अब हम लगा देते हैं अपनी ब्रेक लगा देते हैं इस पर, और दोबारा से अपनी ऐप खोलते हैं हम वो रिजर्व करने के लिए। तो अब ये दोबारा अच्छा हाँ व्यू फ्यूल रिसीव, तो अब दोबारा ऐप खोल लेते हैं, पहले तो देखते हैं भाई ये फ्यूल लेने के बाद कितने हमें पॉइंट मिले हैं। तो अच्छा ये है 4948 पॉइंट्स, तो ये ऐसे है कि ये होगा $49.48, तो ये ऐसे देखेंगे, तो इससे जो है हमारा खाना भी आ जाएगा और ड्रिंक वगैरह भी आ जाएगा, तो ये कवर हो जाएगा। और बाकी हम लेते हैं शावर भी जो है ना 50 गैलन लोगे तो फ्री शावर मिल जाएगा, तो ये शावर लेते हैं हम रिजर्व शावर रिजर्व गैस 84। तो भाई ये हमारा शावर रिजर्व हो गया ऐप पे, तो अभी हम अपना सामान वगैरह उठाते हैं और चलते हैं भाई। तो ये शीशे वगैरह मैं बंद कर लूँ दोनों साइड के, ये कर लिए और ये ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से जो है ऑफ ड्यूटी चला जाता हूँ, क्योंकि 30 मिनट ब्रेक लाजमी होता है लेना, फिर क्लॉक रीसेट हो जाता है। तो ये हो गया, ये हमने कर लिया, तो बाकी जो है चाबी निकाल लेते हैं, चाबी निकाल लिए और जो है बैग अपना लेते हैं। ये अभी ये मैसेज आ गया है हमारा शावर 6 रेडी है, डोर कोड भी दे दिए गैस 84। तो स्टाफ के अंदर आ गए हैं अब, तो अब जाते हैं हम सीधा शावर की तरफ, मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो है सीधा शावर पे जा रहा हूँ मैं, बस ऐप का ये फ़ायदा है ऐप से ये सब कुछ करके। ये देखो भाई ये टीवी रूम भी बनाया हुआ है, स्क्रीन LCD तो छोटी सी है, बस टीवी रूम भी बनाया हुआ है मूवी थिएटर की तरह, तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए था मेरे हिसाब से। ये लॉन्ड्री वगैरह भी है यहाँ पे, तो ढूंढते हैं शावर, इस पर लिखा हुआ है 6 4 12 70 4 12 70, तो ये इस वाले में डालूँगा मैं, ये देखा ये ग्रीन हो गया, ये अपना शावर, ये तो इतना सा शावर है, इससे वैसे ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन चलो जो है हमें तो शावर ही लेना है बस जल्दी से। ये लॉक क्यों नहीं हो रहा भाई, हाँ अब ये लॉक हो गया। तो ये कुछ शावर फैन वगैरह भी लगाया होता है इन्होंने, टावल वगैरह भी दिया होता है, टावल तो मैं खैर अपना ही इस्तेमाल करता हूँ,
तो ये शार वगैरह ये हुक भी दिए होते हैं, ये कपड़े वगैरह डालने के लिए, यहाँ पे भी एक पीछे दिया हुआ है। तो भाई शुरू करते हैं अभी हम। तो भाई ये टावल लेते हैं, लेकिन मैं अपना टावल लेके आता हूँ क्योंकि मुझे इन टावलों पे यकीन नहीं है बिल्कुल भी कि कौन इस्तेमाल करता है, कौन यूज करता है। तो मैं जो है अपना टावल ही लेके आता हूँ मैं भाई। तो ये टावल मेरा लटका देता हूँ मैं। ये मेरा टॉयलेटरी बैग है, ये सब इसमें जो है ना, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये कपड़ों से भी ज्यादा मेन है, ये इसमें सारा साबुन शैम्पू वैम्पू सब इसके अंदर है, तो ये बहुत जरूरी होता है। तो ये खोल लिया मैंने इसको, मैं यहाँ पे टांग देता हूँ। ये जो है ये इसके अंदर से, ये जो है ब्रश वगैरह मैंने इधर रख दिए निकाल के जो है। तो अब शुरू करते हैं नहाना। तो वही शावर वगैरह मैंने ले लिया, मैंने जल्दी जल्दी शावर ले लिया, और जो है अब अपने लिए भी फ्यूल ले लेते हैं भाई। भूख वगैरह लग रही है, तो अब प्यास वगैरह भी लग रही है, तो जो है ट्रक वगैरह के लिए तो हमने ले लिया था फ्यूल वगैरह डीजल वगैरह, तो अब अपने लिए भी कुछ ले लेते हैं खाने पीने के लिए। मैंने जो है अपना शावर वगैरह ले लिया, जल्दी जल्दी मैंने शावर वगैरह ले लिया था क्योंकि मुझे जो है भूख वगैरह भी लग रही है और प्यास भी लग रही है। तो ट्रक वगैरह के लिए तो हमने ले लिया जो है डीजल वगैरह, तो अब हमारी बारी है जो है कुछ खाने पीने की। तो चल के कुछ खाते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह देखते हैं क्या क्या। तो पहले देखते हैं कुछ पीने के लिए, क्योंकि जो है ये फ्रिजेस वगैरह जो है पीछे ही होते हैं, कितने किस्म के एनर्जी ड्रिंक हैं, सारे मॉन्स्टर हैं, कितने किस्म के जो है रेड बुल्स हैं, ये कोक सोडे वगैरह। तो पहले जो है कुछ पीने के लिए लेते हैं, गेटरेड ले लेते हैं, नहीं या रेड बुल, रेड बुल के बीच में सोच रहा हूँ, रेड बुल ले बंदा या गेटरेड ले, चलो रेड बुल ही ले लेते हैं, आज काम भी इतना किया है। तो ये जो है $2 के हैं, और अगर एक लूँगा ना मैं तो $3.90 का। तो ये लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदा ले ड्रिंक्स वगैरह। तो ये ड्रिंक ले लिया हमने, ये ओरियो देखो, ये किसकी, पहली दफ़ा देखो कोका कोला वाली ओरियो, अरे ये तो लेना पड़ेगा हमें, लिमिटेड एडिशन, ये तो लेना पड़ेगा हमें, पहली दफ़ा ही देख रहा हूँ। तो ये ले लिया हमने, तो हम जो है खाली प्लेन चीज़ पिज़्ज़ा। हेलो, ये पिज़्ज़ा वगैरह है यहाँ पे। कैन आई आल्सो गेट अ पिज़्ज़ा, चीज़ पिज़्ज़ा? Not a whole? Oh no, just a slice. Yeah, just a slice. Okay, they're 2 for $8. Did you want two? How much is one? One is $4.50. $4.50. I guess I'll have two. Two? Yeah, I'll have two. Yeah, now it's called the mega cheese. Yeah. You have a reward you want to scan? Yeah. The garden is. Yeah. Do you want to use any points? Yeah, I'll use the points. Okay. Unless you don't want a bag. Oh yeah, I would like a bag. And the receipt, yay or nay? No receipt, that's yay. Fine. When you say nay, you gotta do the dance too. Like this? Yeah. Nay. I'm not gonna do it though, because I'm not saying no. You want a receipt? Oh no, that's fine. Have a great day. Thank you. तो भाई अब जो है मैंने अपने लिए खाना वगैरह ले लिया है, जो है रेड बुल भी ले लिया, अब जो है ना पूरी रात के लिए रेडी हैं, क्योंकि यही जो असाइनमेंट मैंने किया है ना अभी एक और रहता है, लेकिन मैंने खाली पहला वाला करके दिखाना था कि मेरी रूटीन वगैरह क्या है। तो भाई ड्रिंक वगैरह ले लिया, पिज़्ज़ा वगैरह भी ले लिया, और मीठे के लिए मीठा तो लाजमी होता है भाई, मीठा खाना, तो उसके लिए हमने ओरियो ले लिए। तो अब जो है वापस चलते हैं ट्रक पर। वैसे तो मैं अंदर बैठ के भी खा सकता था, लेकिन यार अंदर गाने वगैरह चल रहे हैं तो मुझे नहीं पता था कि कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा, तो इसलिए जो है ट्रक पर ही जाके जो है ना मैं ड्राइविंग करता भी खा लूँगा।
तो अभी चलते हैं, अभी बात होती रहती है साथ। तो ये देखो भाई, वहाँ से मैंने चलना शुरू किया था, वहाँ से बिल्डिंग का ये पूरा घूम के आया हूँ मैं, और वापस अपने ट्रक की तरफ जा रहा हूँ। अभी भी दिन दिन निकला हुआ है, लेकिन अब जो है रात होने वाली है, तकरीबन जो है 7 बज रहे हैं शाम के, 7:15 सवा 7 वगैरह या जो भी। तो ये देखो भाई, यहाँ पे है पार्किंग, लेकिन ये रिजर्व्ड हुई हुई है। तो ये रिजर्व पार्किंग जो होती है ना, मेरे ख्याल से $10 या $11 की होती है। ये तब सही रहती है रिजर्व पार्किंग, अगर ये सब फुल हो जाए ना और कोई पार्किंग ना रहे, तो ये रिजर्व कर सकते हो तुम। और ये भी जो है ऐप वगैरह से तुम रिजर्व कर सकते हो। लेकिन वैसे तो यार देखो, इतना बड़ा ट्रक स्टॉप है तो पार्किंग मिलना तो इतना मुश्किल नहीं होता होगा, लेकिन जो है बहुत से लोग जो है रिजर्व कर लेते हैं। ये पॉइंट वगैरह भी जो मिलते हैं, जो डीजल वगैरह लगवाते हैं, उससे भी रिजर्व हो जाता है, तो पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपना खड़ा हुआ है ट्रक यहाँ पे, तो इस पे चलते हैं और खाना वगैरह खाते हैं। हम अपने आ गए हैं बीस्ट पे, इसका नाम बीस्ट है, जैसे ब्यूटी है ना बीस्ट बोलते हैं ना, ये हमारा बीस्ट है। तो बीस्ट पे आ गए हैं, तो बैग उतार दूँ मैं, थोड़ा मुश्किल हो रहा है अंदर जाते हुए। तो ये बंद कर दिया, वो देखो सामने वो कार हॉलर है, इस पर गाड़ियाँ वगैरह लेके जाते हैं लोग। ये बहुत मुश्किल है, ये खुद ही उतारनी पड़ती हैं, खुद ही जो है डालनी पड़ती हैं गाड़ियाँ ट्रेलर या ट्रक वगैरह पे। तो ये बैठ गए, टाइम हो रहा है 7:13 PM सैटरडे September 14th। तो चाबी इसमें लगा लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ी गर्मी हो रही है। स्टार्ट कर लिया है, एसी फुल पे कर देते हैं इसका, इसकी बंक लाइट ऑन कर लेते हैं, स्लीपर लाइट। तो इसका जो है बटन यहाँ से भी ऑन करने का, तो ये ऑन हो गया है पीछे का स्लीपर। तो ये जो है ये इस पर रख लेते हैं, ये वापस इस पर। इसमें रख दिया, तो इधर जो है ना मैं बैठ के जो है ना खाता हूँ मैं, और साथ साथ व्यू भी देखता रहता हूँ मैं, साथ साथ ये देखता हूँ मैं। तो इसमें से निकालते हैं ये पिज्ज़ा, क्यों नहीं खुल रहा, ऐसे बंद किया हुआ है पिज्ज़ा, ये क्या है, ये जो इतना बंद किया हुआ है। चलो ये हो गया पिज्ज़ा, ये हो गया अपना रेड बुल, और मीठा है अभी थोड़ी देर में खाते हैं। तो पहले इसका बाइट लेते हैं, कितना होता है, और ये खाली चीज़ पिज्ज़ा है, खाली चीज़। तो ये देखा, तो इसका बाइट लेके देखते हैं अभी कि कैसा है, तो खा के देखते हैं कैसा है। इतना अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे है अच्छा, जो है देखने में ना वो नहीं लग रहा होगा अच्छा, लेकिन ट्रक स्टॉप वगैरह के हिसाब से जो है ना अच्छा है, थोड़ा उस हिसाब से सही है, और हमें ये सब कुछ पड़ा है बिल्कुल मुफ्त। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे, बहुत अच्छा है। या पता नहीं भूख लग रही है मुझे, इसलिए जो है इसका क्रस्ट देखो, लेकिन बिल्कुल राउंड हुआ हुआ है, बिल्कुल गार्लिक नट्स लग रहा है, नट जैसे नट हुई होती है। तो अभी और खा के देते हैं, बहुत अच्छा। मतलब ट्रक स्टॉप के हिसाब से सही है, और साथ रेड बुल का थोड़ा वो लगाते हैं तड़का। देखा कितनी प्यास लग रही थी मुझे, प्यास और भूख दोनों लग रही थी मुझे। तो अब मुझे पता है, सारे तुम सोच रहे होंगे कि ये कैसा है, ये ओरियो, कोका कोला वाली ओरियो। अब देखते हैं ये ओरियो जो है कोका कोला वाली, ये वाकई अब ये तो खुशबू भी कोका कोला की आ रही है बिल्कुल। अच्छा, तो ये एक कोका कोला का साइड का है और दूसरा जो है रेगुलर है, लेकिन जो है क्रीम अंदर वही डली हुई है। तो खा के देखते हैं, सही है,
मतलब मुझे समझाना नहीं आ रहा कैसा है, लेकिन खाके डेट होना ऐसा लग रहा है कोई, जैसे मैं केक वगैरह खा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे केक वगैरह होता है ना, ओरियो नहीं लग रहा, मैं ओरियो खा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है केक खा रहा हूँ, लेकिन अच्छा है भाई, क्योंकि जिनको पता है, जो मेरे ट्रू फैंस है उनको पता है कि मुझे कोक बहुत पसंद है, कोक तो ये कोका वाला मैंने देख के, और ये है भी लिमिटेड एडिशन, तो ये कभी भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो भाई ये सब खाते हैं, इन्जॉय करते हैं, और बात होती है जब निकलने लगेंगे। तो भाई जैसे मैं बता रहा था ना कि मैंने जो डीजल डलवाया है उससे जो पॉइंट मिले हैं, मैंने उससे जो है ये खाने वगैरह का, ड्रिंक्स वगैरह का पे किया है, और शावर तो वैसे इंक्लूडेड होती है। तो जिनको याद होगा मैं पहले दिखा रहा था मेरे $49 थे तकरीबन, तो अब ये $16 का जो है सामान आया, तो अभी भी $33, तो सारा ये जो सामान, ड्रिंक्स वगैरह, ये सब खाना वगैरह फ्री में पड़ा है। इनका ये होता है पॉइंट से जरूर देते, लेकिन इनका महंगा जरूर होता है, क्योंकि $8 का बंदा यार पूरा पिज्जा ले सकता है, लेकिन इन्होंने खाली $8 के दो स्लाइस दिए हैं। तो चलो भाई खाना वगैरह खा लिया है, तो अब चलना शुरू करते हैं। अभी भी जो है दिन निकला हुआ है, तो सीट थोड़ी आगे खड़ो, तो दिन निकला हुआ है अभी भी, तो चलते हैं भाई, यहाँ से निकलते हैं और वापस चलते हैं ग्रीन्सबरो की तरफ, अपनी कंपनी की तरफ चलते हैं, वहाँ से एम्प्टी ड्रॉप करते हैं फिर। तो पूरा घूम घुमा के जो है अब हम आ गए एग्जिट की तरफ। ये तो भाई ऐसा लगता है जैसे एयरपोर्ट का रनवे है ना, हम रनवे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एग्जिट आ गया है और चलते हैं अपने जो है डेस्टिनेशन कंपनी पे। ये इन्होंने अभी रोड बनाया है, बहुत ख़राब था, पहले निकलता था ना मैं, बहुत ख़राब था, अभी रोड बनाया है, ये लग भी रहा होगा। तो यहाँ से हो जाए तो निकलते हैं, तो निकल पड़े हैं भाई। हम कैसे गाले जा रहे हैं, हम कैसे करें, ऐसे ही है यार, ऐसे गाने की तरह ही हो गया, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो अभी ये चले जाते हैं हाईवे पे, तो ये देखो ये सारे हाईवे के नाम ब्लू लिखे हुए हैं, नोड 85 40 सब निकल रहे लिखे हुए हैं। तो ये चढ़ जाते हैं अभी हाईवे पे। ऑफिशियली हाईवे पे अब चढ़ गए हैं हम, तो जो है यहाँ से जो है कंपनी तकरीबन 25 मिनट दूर है, तो इतना दूर नहीं है। खा पी लिया हमने, डीजल वगैरह भी सब ले लिया है, देखो फुल हो गई है टैंकी वगैरह भी, तो अब चलते हैं जो है एंजॉय करते हैं, ये जो है सनसेट एंजॉय करते हैं, और जो है बात होती रहेगी अभी। देखो ये जो है आसमान, देखो कैसा मौसम, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन तो हम ये जो है अपनी कंपनी के जो है रोड पे पहुंच गए हैं, तो ये टर्न ले लिया हमने, वही सामने वही काले जहाँ से निकले थे, दिन को निकले थे, अब देखो शाम हो गई है, तो इधर हम राइट मुड़ जाते हैं। अब तो अब हम पहुंच गए वापस ग्रीन्सबरो, और अपना एम्प्टी ड्रॉप करेंगे, और जो है फिर अपना दूसरा लोड डिलीवरी पिकअप करेंगे। जाते हैं अभी हम गार्ड शैक की तरफ, तो वहाँ पे जाके चेक इन वगैरह करते हैं। लेकिन जो है हमारे जानने वाले ना, ये देखो इनको जो है लाइन में वेट करना पड़ रहा है, लेकिन हम जो है रोज आते जाते हैं यहाँ पे, इसलिए हमें लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लाइन वगैरह नहीं करते, हम हमारे लिए लाइन नहीं है। तो बात होती है भाई अभी थोड़ी देर में। तो भाई जैसे मैं बोल रहा था ना, हमारे तो ये जानने वाले हैं, क्योंकि हम रोज ही आते जाते हैं, तो ये स्टेट की बात कर दूँ मैं, तो रोज ही आते जाते हैं, तो जो है हमें इतनी देर नहीं लगती, हम जो है बस सीधा चले आते हैं, ना लाइन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो वो बस बता देते हैं हमें कि कौन सी वाली जो ना कौन से वाले लॉट में हमने ड्रॉप करना है। तो ये वही है जो लोडेड लॉट जहाँ से हमने दिन शुरू किया था, अभी मैं दिखाता हूँ मैं, यहाँ ये जो सारे लोडेड ट्रेलर खड़े हुए हैं यहाँ पे, वही हमारे ट्रक खड़े हुए हैं, और ये जो है एम्प्टी सारे,
तो ये भी मेरी कंपनी का ही जा रहा है कोई बंदा। तो भाई यहाँ से हमने ड्रॉप करना है 96 में, C96 में। तो हमने बस नंबर देखना है C96 लॉट और उधर फिर ड्रॉप कर देंगे। तो बस इतना सही है काम। तो ये वाला है लॉट C96 और पहले जैसे मैंने बताया था जिस लॉट में जाना है उससे एक आगे चले जाओ और ऐसे जो है सेटअप कर लो। तो ऐसे करोगे ना तो सीधा जो है ना, और यहाँ पे रूम भी बहुत है, तो सीधा जो है उसी लॉट में जहाँ पे बैकअप करना है ना उधर ही सीधा जाएगा। देखो अब जो है उधर ही है बिल्कुल सीधा। अब बस तुमने जो है ना स्ट्रेट जाना है पीछे, जैसे गाड़ी को रिवर्स करते हैं ना बस रिवर्स करना है पीछे। तो ये हो गया बहुत इजी। लेकिन वीडियो वगैरह की वजह से थोड़ी देर लग गई थी और जो है अब रात भी हो गई है। तो रात हो गई है तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को मैं बताऊं कि मेरे ये 7-8 घंटे में कितनी सैलरी बनी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे तो मैं पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा, मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा कि मेरे एक दिन के कितने बने 7-8 घंटे के। तो भाई इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई है तो अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बात होती है अगली बार। पीस।